राजा का परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। गुड़िया, ओ गुड़िया, क्या हुआ माँ? वीरपुर वाले लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शादी फेल नहीं हुई। 13 परिवारों से बात होने के बाद 14वां परिवार था ये। अब मरने से पहले कम से कम मैं तेरी शादी तो देख पाऊंगी। गुड़िया भी अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। गुड़िया अपनी शादी तय होने की बात अपनी सहेलियों को बताने गई। 3 तारीख से मेरी हल्दी चढ़ेगी, तुम लोगों को जरूर आना है। अब तो तू हमें भूल ही जाएगी, अभी से तुझे अपने पतिदेव के सपने आने लगे होंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है, शायद आज रात से ऐसा हो। ज्यादातर लड़के फट्टू होते हैं, शादी के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि शादी से पहले तू 2-4 बार अपने हस्बैंड से मिल लेती, ताकि तुम लोग एक दूसरे को जान सको। मैं अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पर बात करना चाहती हूँ। शहर में तो हर इंसान के पास मोबाइल होता है, लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ एक सड़ियल पीसीओ है। पीसीओ वाला बबलू लोगों की बातें छुप छुप कर सुनता है और पैसे भी मांगता है, इसीलिए उस पीसीओ से बात करना बेकार है। अगर तू पैसों का इंतजाम कर सके तो मैं अपने भाई से कह के शहर से तेरे लिए एक मोबाइल मंगा दूं। गुड़िया ने अपने भाई की गुल्लक से पैसे निकाल लिए और अपनी सहेली को देकर मोबाइल मंगा लिया। वो रोजाना छुप छुप कर अपने होने वाले हस्बैंड से बात करने लगी। एक दिन गुड़िया की माँ गुड़िया से बोली, गुड़िया पूड़ियों के लिए तेल गरम हो रहा है, जरा ध्यान से रखियो, मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। गुड़िया कढ़ाई के आगे बैठ गई, उसका सारा ध्यान मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ था। अचानक उसका हाथ करछुली पर लगा और करछुली कढ़ाई से निकलकर धरती पे जा गिरी। गुड़िया के मुंह पर तेल के छींटे पड़ गए, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह दाग पड़ गए। ये बात पूरे गांव में फैली तो लड़के वालों को भी पता चली। लड़के के पिता गुड़िया को देखने आए और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे चेहरे पर जरा से दाग क्या पड़ गए, तुमने शादी के लिए मना कर दिया? मेरे दोस्तों की एक से एक सुंदर दुल्हन आई है, जब मैं तुम्हें उनके घर ले जाऊंगा तो वो सब मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया। गुड़िया ने कई बार फोन किया लेकिन लड़के ने फोन उठाया ही नहीं। क्या इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती? क्या लोग बस अपने जीवन साथी की सुंदर शक्ल इसलिए चाहते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने इज्जत मिल सके? निराश गुड़िया नदी में कूदकर आत्महत्या करने गई। वो नदी में कूदने ही वाली थी लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया। तैरना आता है या ऐसे ही नदी में कूद रही हो? तैरना नहीं आता, इस दुनिया को छोड़ने के लिए कूद रही हूँ। औरत गुड़िया से सारी बात पता कर लेती है। आपने ये दुल्हन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। औरत गुड़िया को अपने घर ले जाती है। करीब 15 साल पहले मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ही कुछ हुआ था। मेरा चेहरा जल गया था और लड़के वालों ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। मैं भी निराश होकर तुम्हारी तरह इस दुनिया को छोड़ने जा रही थी, लेकिन मुझे एक चमत्कारी औरत ने जादुई हल्दी दी। जादुई हल्दी? हाँ, जरा इसे लगाकर देखो। इसे लगाते ही तुम्हारे चेहरे के सारे दाग साफ हो जाएंगे। गुड़िया अपने चेहरे पर जादुई हल्दी लगाती है और उसका चेहरा एकदम से सुंदर हो जाता है। जब आपका चेहरा ठीक हो गया तो क्या फिर आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर मैंने शादी नहीं की, मैंने अकेले जीवन बिताना बेहतर समझा।
जब गुड़िया लौट कर अपने गांव पहुंची, तो गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। गुड़िया की जिस लड़के से शादी तय हुई थी, उस लड़के ने गुड़िया से शादी करने की विनती की। मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे नहीं सिर्फ मेरे सुंदर चेहरे से प्यार करता है। कल मेरा चेहरा अगर दोबारा खराब हो गया तो तुम मुझे दोबारा छोड़ दोगे, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती। गुड़िया ने निश्चित किया कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद शादी के बारे में सोचेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सभी लड़कियों को शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर शादी के बाद लड़के के घर वाले उन्हें किसी कारण से छोड़ देते हैं तो वे अपना जीवन खुद बिता सकती हैं। अरब में एक शहर था जिसमें बहुत सारी पेट्रोल की खदानें और फैक्ट्रियां थीं। देश विदेश से लोग फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी पेट्रोल फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में एक अरेबिक लड़की भी काम करती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। गोपाल का दिल लड़की पर आ गया। उसने लड़की को प्रपोज किया और उससे शादी करके अपनी पत्नी बना लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन गोपाल की पत्नी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे अस्पताल लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है, वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर दुखी गोपाल दिन भर रोता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती गई। एक दिन उसने गोपाल से कहा, मैं मरने वाली हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है। मैं तो गरीब, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम चिंता ना करो, ये लो। पत्नी ने उसे एक बीज दिया और बोली, ये जादुई बीज है, हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना, पेट्रोल का पेड़ उगेगा जिसे बेचकर हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर वो मर गई। गोपाल ने उसका अंतिम संस्कार किया और पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने हिंदुस्तान लौट आया। अपने गांव आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, पता नहीं पेड़ कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। पेट्रोल की महक, ये तो घर के पिछवाड़े से आ रही है, तो देखकर चकित हो गया। रातों रात घर के पीछे तेजस्वी पेट्रोल का पेड़ उग आया था। एक डाली पर एक तेजस्वी फल भी लटक रहा था जिसमें से पेट्रोल की महक छूट रही थी। ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी भी। गोपाल ने पेड़ को एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक धारा बहने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव पेट्रोल के पास इकट्ठा होकर आश्चर्य जताने लगा। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है, बताओ गोपाल कितने पैसे लीटर बेचोगे। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी धनराशि दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के पेड़ के नीचे पेट्रोल भरवाने वाले वाहनों की लाइन लग गई। लोग गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल को पैसा देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उस गांव में लाला लल्लन नाम का एक सेठ रहता था जिसका एक पेट्रोल पंप था। गोपाल के पेट्रोल के पेड़ की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता था। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मीटिंग फिक्स की और बोला, गोपाल ये पेट्रोल का पेड़ मुझे बेच दो। ये पेड़ मेरी पत्नी की आखिरी निशानी, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोच कर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस पेड़ का बीज ही बेच दो। मैं जानता हूँ लाला जी, मेरे इस पेड़ की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर
गोपाल ने पेड़ से चमचमाता फल उतारा और लाला को सौंप दिया। इस फल में पेड़ का बीज है, ले जाइए, पैसे नहीं लूंगा। लाला लल्लन वहाँ से चला गया और रात को अपने आदमियों के साथ पेट्रोल पेड़ के पास पहुँचा और पेड़ को आग लगा दी। बड़ा सा धमाका हुआ और पेड़ जलने लगा। गोपाल वहाँ पहुँचा तो पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? बेवकूफ, पानी के मोल पेट्रोल बेचोगे तो मेरे पास कौन आएगा, इसलिए पेड़ जला दिया। अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी, देखना पेट्रोल का पेड़ उगाऊंगा और अमृत के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा, उसमें से एक बीज निकला। बीज निकाल कर लाला ने अपने आंगन में बो दिया और पेड़ का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन पेड़ जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा पेड़ तो रातों रात उगा था, मैं बीज गाड़ कर बैठा हूँ और पेड़ बाहर ही नहीं आ रहा, बोलो कैसे? गोपाल मन ही मन सोचने लगा, मेरी अच्छाई का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल पेड़ भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी, पेट्रोल का पेड़ है, सीता फल का नहीं। बीज निकालो और जलते चूल्हे में आधा घंटा डाल दो, गरम गरम बीज को जमीन में दफना दोगे तो पेड़ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही बीज चूल्हे में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाले लाल होकर जलता हुआ मर गया।